हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ चाईबासा अपने गांव। और इस ट्रिप में आज मेरा रूममेट भी है, शुभदीप नाम है उनका। हम चाहते तो जमशेदपुर से निकल सकते थे, मतलब जमशेदपुर से चाईबासा, लेकिन क्या है कि आदित्यपुर सामने पड़ता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हम जमशेदपुर से भी निकल सकते थे, पर जमशेदपुर मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से जमशेदपुर बहुत दूर है, तो हम आदित्यपुर से आ रहे हैं। हमारी ट्रेन है 3 बजे, अभी 2:20 हो रहे हैं, तो हमारे पास लगभग 40 मिनट का वक्त है। आराम से टिकट वगैरह कटवा लेंगे और फिर वेट करेंगे ट्रेन के आने का। और कुछ करना है स्टेशन में तुमको? जो ट्रेन है वो देखने लायक होगा। हाँ, जो ट्रेन है वो देखने लायक होगा। आज तुम्हारा फर्स्ट ट्रिप है ना? ये ट्रेन में फर्स्ट ट्रिप है, और कहते हैं कि ये वंदे भारत का लाइट है, बिल्कुल ही वैसा लुक है इस ट्रेन का। अभी मेरे रूममेट का प्लान है कि मेरे साथ चाईबासा तक जाएगा ट्रेन से, फिर वहाँ से बस से निकल जाएगा, बस या फिर जो गाड़ी मिलेगी उससे वो सीकेपी निकल जाएगा। इस्पात है ना, हावड़ा टिटलागढ़ एक्सप्रेस, ये है आदित्यपुर। ओके, तो हमने टिकट वगैरह कटवा लिया है, और ये जो डेमो ट्रेन है, जो अभी 3 बजे ट्रेन है, वो उसमें क्या है कि अगर टिकट नहीं भी कटाएंगे ना तो चाईबासा आराम से पहुंच सकते हैं, उसमें कोई टीटी वगैरह आते नहीं है, और वो पूरा वेंडर ट्रेन है। मैंने कभी बिना टिकट का कभी सफ़र किया नहीं है इस ट्रेन में, और करना भी नहीं चाहता कभी फ्यूचर में, क्योंकि देखिए टिकट का प्राइस है यहाँ से चाईबासा, मतलब आदित्यपुर से चाईबासा के लिए 20 रुपये टिकट है। तो 20 रुपये उतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर हाँ किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा है ये पैसा भी। पर क्या है कि हमने तो यही सीखा है कि अगर किसी ट्रेन में जा रहे हैं सफ़र पर, ट्रेन में या फिर बस में, तो बस में जितनी भाड़ा बनती है, जितने फेयर बनते हैं, हम उसे दे देते हैं। तो हमने टिकट कटवा लिया और अब हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हाँ, पर यह भी बात है कि इस ट्रेन में कभी टीटी कभी आते नहीं हैं इस ट्रेन में। ट्रेन आएगी ना, दिखा दूंगा आपको। अच्छा, इस ट्रेन की आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ये ट्रेन बदामपाड़ से आती है, बदामपाड़ से टाटा तक आती है। ट्रेन नंबर कुछ अलग होता है, 08132 करके, फिर टाटा से जब जाती है गुवा तक तो ट्रेन नंबर हो जाती है 08133। तो बचपन में जब गुवा सुनता था ना, तो मुझे लगता था ना ये ट्रेन ना गुवा जाती है, कि गुवा मतलब वो गुवा। तो बचपन में सोचता था चलो फ्यूचर में कभी जाने मिलेगा तो इसी ट्रेन से जाऊंगा गोवा, लेकिन बाद में पता चला अच्छा ये तो गोवा जाती है। गोवा झारखंड में है वैसे, गोवा तो अलग ही स्टेट है वो। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये टाटा नगर यानी जमशेदपुर, आदित्यपुर, फिर उधर आगे गमरिया है, सब इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन यहाँ भी पूरा इंडस्ट्री ले रही है, मालगाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी के पीछे जैसे देख रहे पूरा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री वगैरह है इधर भी। और उधर देखिए, इधर धुआं शायद आपको दिख रहा होगा, एक मिनट जूम करता हूँ, वो वहाँ पर है, पूरा इंडस्ट्री ले रही है इधर। हाँ, तो क्या बोला था सुदीप? मैं ये कह रहा था कि मैं जहाँ काम करता हूँ टाटा स्टील में, तो वहाँ ऐसे ही कोचेस आते हैं, वैगन आते हैं। तो ये बॉक्सिंग है, अभी BFNS, BRN, वैसे बहुत सारे आते हैं वैगन। और ये जो सारे वैगन होते हैं इसमें कॉइल्स लोडिंग होता है। हाँ। और ये जो वैगन देख रहे हैं इसमें स्लैग वगैरह लोडिंग होकर जाता है ये। अच्छा। स्टील से। हाँ। और ये वैगन जो है ये अनफिट है, क्योंकि ये टूटा फूटा है थोड़ा सा वैगन। अच्छा। हाँ हाँ, दिख रहा है, प्रच्छेद हुआ है। हाँ, तो ये वैगन मेरे ख्याल से सारे के सारे अनफिट दिख रहे, क्योंकि इनके डोर भी नहीं है। हाँ, फिर सा क्या होता है वहाँ, मतलब टाटा स्टील में एंट्री नहीं मिलता है फिर? नहीं, ये अनफिट में आ जाते सारे वाले। अच्छा। क्योंकि ये यूज़ नहीं किया जा सकते, कोई भी जो प्रोडक्ट रहता है वो कोई ऐसे वैगन में नहीं जाना चाहिए जिससे प्रोडक्ट को भी नुकसान पहुँचे। अच्छा, ये बात है। ये टाटा स्टील से आ रही है क्या? ये टाटा स्टील से नहीं आ रही है? अच्छा, अरे यार जिसका डर था वही हुआ, बारिश आ गई है और शायद बहुत तेज आने वाली है बारिश। इधर पीछे नहीं जाएंगे हम, इधर सीढ़ी वाले सेट में जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन आ रही है अब, टाटा गुवा पैसेंजर। अरे रुको तो यार, इतना ट्रेन रुकी नहीं है, रुको तो, तुमको बारिश में भींगना है? अच्छा ठीक है, सीट रखते रहना। ये रही डेमू पैसेंजर।
ओके तो हमारा जर्नी शुरू हो गया। मेरे को विंडो सीट दिया नहीं। हेलो आज तुम बनाओ वीडियो। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। आखिरकार खिड़की में जगह मिल गया। पहुंच गई चाईबासा। तो क्या अभी हम चाईबासा स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे टोटो सब लाइन लगी हुई है। हम तो झारखंड में इसे टोटो कहते हैं, पता नहीं और कहाँ इसे टोटो बोलते हैं ना। हाँ तब यहाँ से मेरे दोस्त को पहुँचा देंगे बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से मैं चला जाऊँगा अपने घर। इसे तो झारखंड में टोटो कहा जाता है और कुछ पता है कहाँ कहाँ इसको क्या बोलते हैं, टोटो ही बोलते हैं क्या? ई रिक्शा। अच्छा हाँ जाएगा तब इसी से ठीक है, तब फिर मिलेंगे। टोटो मिल गई है मुझे घर तक के लिए, मतलब आधे रास्ते के लिए तो मिल गई है, फिर जहाँ मैं उतरूंगा वहाँ मेरा आ जाएगा रिलेटिव एक है, फोन कर दिया उसे तो मुझे रिसीव करने आ जाएगा। तो ओके आज की वीडियो बस इतनी रहेगी, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।